नमस्कार, लाइव खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनीष पांडे और अब खबर विस्तार से। यूपी के रामपुर में नवाबों के समय से ही कबूतरों को उड़ाने की प्रतियोगिता होती आ रही है। ये टूर्नामेंट सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में रामपुर के जफर मैरिज हॉल में होता है, जिसमें विजेता को इनाम से सम्मानित भी किया जाता है। कबूतरों की ये उड़ान सुबह 6 बजे से शुरू होती है। इसमें क्वालिफाइड कबूतर वही होता है जो सबसे अधिक समय तक उड़ान पूरी करके नीचे उतरता है। कबूतरों की उड़ान का ये टूर्नामेंट उस्ताद सरदार दलबीर सिंह फ्लाइंग क्लब की ओर से करवाया जाता है और इसी परंपरा को बनाए रखते हुए इस साल भी कबूतरों की उड़ान का टूर्नामेंट रखा गया, जिसमें विजेता बेकार खान रहे हैं, जिन्होंने प्रतियोगिता में पहले नंबर पर जीत हासिल की है। इन्हें इनाम के तौर पर 30,000 रुपये नकद और एक बाइक मिली है। वहीं सेकेंड प्राइज फुरकान खान को मिला है। सबसे खास बात यह है कि रामपुर जिले में कबूतरों की परवरिश बिल्कुल शाही तरीके से होती है, जिन्हें बादाम और अन्य मेवे तक खिलाए जाते हैं और इन कबूतरों को उड़ाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसके चलते एक कबूतर कम से कम 18 घंटे तक उड़ता है। इसमें फर्स्ट नाम जो फुरकान खान ने जीता और सेकेंड इनाम फुरकान खान ने जीता, स्पेशल इनाम भी फुरकान खान ने जीता और बहुत अच्छा टूर्नामेंट उड़ा। और यहाँ रामपुर में ये परंपरा चली आ रही है हमारे यहाँ, टूर्नामेंट बरकरारी से होते हैं क्योंकि ये नवाबों का शहर है, यहाँ कबूतर उड़ते चले आ रहे हैं। और इंशाल्लाह यहाँ मई के टूर्नामेंट भी हमने कराए, 2 साल से मई के टूर्नामेंट भी करा रहे हैं और आगे उम्मीद है कि और कराएंगे। और इसमें तकरीबन 25 कबूतर भी उड़े, 35 भी उड़े, 21 भी उड़े और 17 भी उड़े। और इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव खबर।